पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा 6 महीने के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के अंतर्गत जंक्शन के लाल चौक व नई खुंजा वार्ड नंबर 5 में विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया। कॉमरेड वारिस अली ने बताया, लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के कारोबार बंद थे और मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि राजस्थान की जनता को राहत देंगे, राज्य सरकार बिजली का बिल माफ करेंगे की मांग को लेकर अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन को जारी रखते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉमरेड रघुवीर वर्मा ने बताया कि बिजली के बिल माफ करने के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थों डीजल के दामों में जो भारी वृद्धि की है, इसको लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में आक्रोश है। राज्य सरकार इन मांगों पर ध्यान देना होगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मांगों पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया तो आगे आंदोलन को दे दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। लगाओ नारे, लाओ नारे, लाओ चला चलू। आज राष्ट्रव्यापी हान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा पूरे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि 6 महीने के बिजली के बिल जो है वो माफ़ करे और ये जो तेल की बढ़ी हुई कीमतें हैं इन्हें वापस ले। सरकार तेल 18.45 रुपये विदेशों से खरीद कर भारत के अंदर 80 रुपये में बेच रही है और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, सरकार कहती है कि ये देशद्रोही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि जो ये हमारी मांगे हैं इन्हें पूरा किया जाए, नहीं तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा प्रांत व्यापी जो आंदोलन चल रहा है 6 महीने के बिजली के बिल माफ करने और पेट्रोल डीजल के दाम घटाने को लेकर यहां हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी के मुख्य गेट पर अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया है। और इस बात को लेकर कि लॉकडाउन के चलते हुए भारी परेशानी हुई है, लोगों की आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, इसलिए उनको आर्थिक राहत देते हुए बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और महंगाई पर काबू पाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएं।